अजय टम्टा के नामांकन के साथ बीजेपी ने उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद फूंक दिया। अजय टम्टा ने आरक्षित सीट अल्मोड़ा से नामांकन पर्चा भरा। अजय टम्टा के साथ नामांकन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, कपकोट विधायक सुदेश गढ़िया और रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए अजय ने ऐतिहासिक जीत का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने राज्य की पांचों लोकसभा सीट मोदी की झोली में डालने का वादा किया है। अल्मोड़ा से नसीब बहुत ज्यादा उत्साह है। मैं आज सुबेरे जागेश्वर धाम के दर्शन करके आया, फिर चितई गुरु देवता के दर्शन करना है, तो बीच में मुझे बहुत सारे गाड़ियों में कार्यकर्ता मिले, बहुत उत्साह भरे थे। कार्यकर्ताओं में एक नया जोश है और वो जोश नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना इस चुनाव के अंदर ऐतिहासिक बहुमत के रूप में बदल करके एक ऐतिहासिक वोट के माध्यम से उनको मोदी जी को देने वाले हैं। मुझे लगता है कि यह चुनाव इस संसदीय क्षेत्र में आज़ादी के बाद ऐतिहासिक चुनाव होगा और ऐतिहासिक परिणाम देने वाला चुनाव होगा। आम जनमानस जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत चारों जिलों की 14 की 14 विधानसभाओं की और बॉर्डर की, क्योंकि पहली बार कोई प्रधानमंत्री जोलिंगकोंग में, पार्वतीकुंड में, कैलाश में और लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व सांसद अजय टम्टा जी का नामांकन हुआ और मैं कहता हूँ बड़ा उत्साह है। हमारे सभी विधायक के द्वारा सेट यहाँ पर भरे गए उनके अनुमोदन प्रस्ताव के रूप में और मैं कह सकता हूँ अभी तक के ऐतिहासिक जीत अल्मोड़ा लोकसभा के अंदर रहेगी। देखिए, निश्चित रूप से आज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ सीट से हमारे प्रत्याशी अजय टम्टा जी ने नॉमिनेशन किया है और आज मैं प्रस्तावक के रूप में उनके साथ मौजूद रही हूँ। मुझे लगता है कि जो उत्साह अल्मोड़ा पिथौरागढ़ और पूरे अपने प्रदेश में लोकसभा को लेकर है वह बहुत ही उत्साहजनक है। निश्चित रूप से जो 75% मत आमजन का भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त करने का लक्ष्य है वह उस ओर अग्रसर होते हुए हम लोग देखते हैं। एक ऐतिहासिक जीत जो है वो अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा सीट से होगी, ऐसा जनता के उत्साह और विश्वास से दिखता है।